हेलो एवरीवन, माय सेल्फ एच आर ढाका फिजिक्स लेक्चरर। आज हम बात करेंगे कि लॉकडाउन में बिना कोचिंग आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की आप तैयारी कैसे कर सकते हो। इसमें मैं आपको 3 महीने का एक्शन प्लान दे रहा हूँ कि टाइम टेबल आप बना के किस प्रकार से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी आप कर सकते हो। तो मैंने आपके लिए एक टफ टाइम टेबल बनाया है और इसका यदि आपने पालन किया, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी एक आदर्श टीचर के व्यक्तित्व का विकास है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है कि मैंने अंक बार है उसके अकॉर्डिंग आपके टाइम को बांटा है। जब भी आप डिस्टर्ब होते हो, जब भी ऐसा लगे कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, तो इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। आपके टाइम टेबल में देखा जाए तो मैंने सीरियल के अकॉर्डिंग मैंने लिया है। पहला सब्जेक्ट लिया आपका करंट जीके। करंट जीके के आपके क्वेश्चन आते हैं 10, यानी 10 क्वेश्चन 20 अंक के। फर्स्ट पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट पेपर में दोनों को कमाई, कोई भी सब्जेक्ट है आपके, तो ये वीडियो आपके लिए काम का है। करंट जीके के अंदर आपके क्वेश्चन आते हैं 10 और आपको डेली 3 महीने की बात कर रहा हूं मैं, 3 महीने के लिए आपको डेली को करंट जीके को 1 घंटा देना है। वो टाइम अपने अनुसार ले लो। अपने अकॉर्डिंग नहीं लेते हो तो सुबह, जैसे मान लो आप ऑनलाइन कोई भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, कैसे ही करके, चाहे समाचार पत्र जो आते हैं उसके माध्यम से कैसे ही आप 1 घंटा करंट जीके को दे दो। सुबह आपका न्यूज सेक्शन कवर हो जाएगा। और वैसे तो आपको 1 महीने में 3 क्वेश्चन तैयार करने का टारगेट रखना है। जैसे कुछ टॉपिक फिक्स होते हैं, जैसे मान लो जनगणना वाला है और है, तो उन टॉपिकों को कवर करते, वैसे करंट जीके के अंदर 3 क्वेश्चन का टारगेट हम वैसे रख नहीं सकते क्योंकि ये एक लंबा है, आपके ज्ञान में भी वृद्धि करेगा। यदि आप साइंस के हो तो साइंस वाले पहले क्या करें, साइंस वाले पहले जो राजस्थान का मैप है उसके बारे में अध्ययन करें, भारत का है, विश्व का है, पहले जो सामान्य जानकारी है उसके बारे में यदि आप अध्ययन नहीं करोगे तो आपको करंट जीके भी समझ में नहीं आएगा कि भाई अमेरिका कहाँ पर है, इटली कहाँ पर है। तो इस प्रकार से आप करंट जीके की तैयारी 1 घंटा सुबह का जो टाइम है उसमें, आप सुबह बहुत सारी क्लासेज आती है वहाँ से ऑनलाइन आप करंट जीके तैयार कर सकते हो। तो सी कोड मैंने दिया है अल्फाबेट के क्रम से। तो ये आपका लंबा प्रोसेस है, आपके व्यक्तित्व का विकास है, इसको आप कंटिन्यू करो चाहे कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। उसके बाद में मैंने फर्स्ट ग्रेड में नाम दिया है ई कोड। ई कोड का मतलब यह है कि ई कोड के अंदर इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, मैथ्स भी आती है और रीजनिंग भी आती है। तो इसके लिए 20 क्वेश्चन आते हैं और 40 अंक का फर्स्ट पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 क्वेश्चन 40 अंक के हो गए। इसको आप 1.5 घंटा दीजिए। आप पहले इंग्लिश तैयार कर सकते हो, इच्छा है तो इंग्लिश भी ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोज है, हिंदी पढ़ सकते हो, मैथ्स या रीजनिंग जो आपका पोर्शन कमजोर है उसको आप पहले धीरे धीरे तैयार कीजिए। इस हिसाब से पहले इंग्लिश कर लो, हिंदी कर लो, मैथ्स, ये कंटिन्यू क्रम से चलते जाओ। और कोशिश ये करो कि 1 महीने के अंदर अंदर आप 7 क्वेश्चन तैयार करो। 7 क्वेश्चन तैयार करोगे 3 महीने में 21 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा। तो 3 महीने के अंदर आपको एक बार सिलेबस हर हाल में कंप्लीट करना है। यदि आपने ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से कैसे करके, ये जो टाइम टेबल है थोड़ा टफ टाइम टेबल है, और यदि कुछ छूट भी जाए तो आप परवाह मत करो क्योंकि थोड़ा टाइम टेबल को लचीला भी रखना चाहिए। अक्कड़ की तरह, तने की तरह अकड़ना नहीं है, डालियों की तरह थोड़ा आपको लचीला भी रहना है। तो ये 20 क्वेश्चन का है, आप 1.5 घंटा इसमें निर्धारित करो और उसमें आप मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग आप सुबह का जो 8 बजे से लेकर 9:30 का टाइम है, जैसे ही करंट जीके है उसके बाद में एक माइंड के अंदर पैटर्न सेट होना चाहिए। एनर्जी लाने के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आपको एनर्जी आएगी कि इतना सारा काम है, हम टाइम वेस्टेज कर रहे हैं, आपका टाइम वेस्टेज नहीं होगा। फिर आपको करंट जीके के बाद में माइंड में पैटर्न धीरे धीरे 10-12 दिन पढ़ोगे तो एक पैटर्न सेट हो जाएगा कि भाई मेरे को ये फिक्स टाइम नहीं, तो करंट के बाद में जैसे मान लो मेरे को ई ग्रुप का अध्ययन करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस वालों के लिए ये बहुत ईजी होता है, इसमें जैसे हिंदी इंग्लिश के जो 5-5 क्वेश्चन आते हैं वो तैयार कर, मैथ्स रीजनिंग हो जाती है। तो 7 क्वेश्चन महीने का टारगेट आपको रखना है और उसके बाद में आप
इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी आप कर सकते हो, जैसे मान लो 9:30 की जगह 9:20 हो गया, तो आपको एक पैटर्न सेट करना है। कहने का मतलब सी के बाद में ई और उसके बाद में बात आती है इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान की, जो इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान की हिस्ट्री 15 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। इसके अंदर आपको 1 घंटा, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है यदि आपने मन लगा के पढ़ लिया ना, जैसे मान लो मुगल काल आप पढ़ रहे हो या मान लो गुप्त काल या मौर्य काल आप पढ़ रहे हो, तो उसके अंदर आपने मन लगा के यदि 1 घंटा ही ढंग से बुक पढ़ ली या कोई वीडियो देख लिया और उसको याद कर लिया, शॉर्ट नोट आपने तैयार कर लिए, 1 घंटा आपके लिए काफी है, 9:30 से लेकर 10:30 का। और टारगेट ये रखो कि 1 महीने में मेरे को टॉपिक वाइज 5 क्वेश्चन है वो लगभग इस प्रकार से कोशिश करनी है कि 5 क्वेश्चन मेरे तैयार हो जाए, तो ये आपकी हिस्ट्री। उसके बाद में आप दिन का एक बहुत बड़ा जो भाग है वो आप अपने सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री वाला, हिस्ट्री वाला, ज्योग्राफी वाला, जो भी आपके सब्जेक्ट है उसमें लगभग पैटर्न सेम है कि 11th 12th का जो आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल है उसके आपके 55 क्वेश्चन आते हैं, ग्रेजुएशन के 55 क्वेश्चन आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। ये एक बहुत बड़ा भाग है जो सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार होता है, 8 घंटे इसको देने पड़ेंगे। अब बाकी का काम हो गया, मैंने अंक भार के अनुसार लिया है, बाकी सब्जेक्ट आपने कम पढ़े लेकिन सब्जेक्ट आपका स्ट्रोंग है तो आप 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखो 10:30 से लेकर शाम को 6:30 बजे तक आप लगातार मतलब पढ़ नहीं सकते, इसमें आप पेपर हल कर सकते हो। इस टाइम टेबल के पहले आप 11th 12th तो नॉर्मल होता है आप तैयार कर लेते हो, फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन पर ज़्यादा फोकस करना क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आते हैं और आप सही कर जाते हो। इस टाइम के अंदर आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो सॉल्यूशन आप कर सकते हो, यदि मान लो इतना बड़ा टाइम मिल रहा है और इस टाइम को आपने सेट कर लिया, मान लो जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो वो पार्ट टाइम कोई कोचिंग के अंदर मान लो फिजिक्स पढ़ा के आ सकता है, मान लो केमिस्ट्री पढ़ा के आ सकता है, अपने सब्जेक्ट को पढ़ा के आ सकता है, तो थोड़ी अर्निंग भी आपकी हो जाएगी और ये सब्जेक्ट भी आपका साथ साथ तैयार हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि भाई ज़्यादा टाइम नहीं देना है, केवल अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ये काम करना है। तो इतने बड़ा पोर्शन है क्योंकि फिजिक्स 11वीं 12वीं है, मैंने फिजिक्स के लिए ये बनाया है, तो आप यहाँ सब्जेक्ट चेंज करना, केवल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना सेट करना। ये 40 क्वेश्चन आपके ध्यान रखना, 40 क्वेश्चन 1 महीने के तैयार हो जाने चाहिए, इस प्रकार आप फास्ट पढ़ाई करो ताकि 3 महीने के अंदर आपके जो 120 क्वेश्चन है वो आराम से आपके तैयार हो जाए। टारगेट मन के अंदर सेट होना चाहिए कि जिस प्रकार से आपने क्या किया, करंट का माइंड में पैटर्न सेट हो गया, फिर इंग्लिश का हो गया, ई ग्रुप बोलता हूँ मैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, फिर एच का मतलब इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री, इसको आपने माइंड के अंदर सेट कर लिया, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने किस में लगा दिए, ये 8 घंटे का जो टाइम मिल रहा है अभी लॉकडाउन के अंदर आपको, ये तो सरकार पर निर्भर करता है और कोरोना पर निर्भर करता है कि लॉकडाउन कितने लंबे समय तक जाता है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप अपना टाइम को वेस्टेज मत करो, ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब 40 क्वेश्चन टारगेट रखो कि ये आपके तैयार हो जाए। फिर मैंने नाम दिया है एस ग्रुप, एस ग्रुप का मतलब ये है कि ये जो साइंस है, 5 क्वेश्चन आपके साइंस के आते हैं, 5 इंडियन पॉलिटी के आते हैं, और उसके बाद में 5 क्वेश्चन आपके राजस्थान ज्योग्राफी के आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं। कैसे ही करके इनमें पहले आप साइंस कंप्लीट करो, फिर आप इंडियन पॉलिटी करो, चाहे राजस्थान ज्योग्राफी करो, एक सेटिंग आपके माइंड में होनी चाहिए कि भाई, और थोड़ा बहुत आप ये इस 8 घंटे वाले टाइम में भी एडजस्टमेंट कर सकते हो, जिसके टू डू लिस्ट की पावर हम बोलते हैं। टू डू लिस्ट किसके अकॉर्डिंग बनानी है, जो मैं ये टाइम टेबल आपको बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको टू डू लिस्ट बना के आज हम क्या करने वाले हैं तो काम करिए। तो कहने का मतलब आपका साइंस के 5 इंडियन पॉलिटी और राजस्थान ज्योग्राफी के 5-5 क्वेश्चन, इसको आपको अंक बार के अनुसार 1 घंटा 30 मिनट देनी है, और इसका टाइम आप शाम को रख सकते हो। अब आप कहोगे खाना पीना, तो थोड़ा बहुत लचीलापन रख लेना कि भाई इसके अंदर हम खा रहे हैं, खेल रहे हैं, तो मन के अंदर ऐसा तो होना चाहिए कि भाई हमारे उस सब्जेक्ट का टाइम वेस्टेज हो रहा है। तो 5 क्वेश्चन आपको ये टारगेट रखना है कि 5 क्वेश्चन आपके हर हाल में 1 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाने चाहिए, आप 3 महीने के अंदर 15 क्वेश्चन कर लोगे। फिर यही टाइम टेबल सेम टू सेम रिपीटेशन लगा देना, आज की डेट डालना, जैसे मान लो आज की डेट डाली, उसके बाद में आपने 3 महीने की डेट
आगे कितनी डेट आ रही, वहां तक आपको सिलेबस हर हाल में कंप्लीट करना है। फिर यदि एग्जाम को मत, एग्जाम को तो आप इतने सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको कितना कुछ सीखने को मिलेगा ये जानो आप, और उसके बाद में आप एग्जाम के बारे में सोचो, प्रीवियस ईयर पेपर लगाते जाओ और पढ़ते जाओ। आप तो 3 महीने हो गए, फिर रिपीटेशन मारो, फिर रिपीटेशन, रिपीटेशन पर रिपीटेशन, इस प्रकार आप मतलब काम करते जाओ, कर्म करते जाओ। अपना काम है कर्म करना, एग्जाम कब होगा, भर्ती कब निकलेगी, ये काम तो होता रहेगा, ये गवर्नमेंट पर डिपेंड है। जो मुद्दे हमारे नियंत्रण में है उस पर हमें काम करना चाहिए, और जो मुद्दे हमारे नियंत्रण में नहीं है उसके बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहिए। बस उसके बाद में अब मैंने टी नाम दिया है। टी का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टी का मतलब ये हो गया, इसके अंदर आपका साइकोलॉजी मैंने साथ में लिया है, और एजुकेशन मैनेजमेंट भी, जो स्कूल मैनेजमेंट है वो भी मैंने साथ में लिया है। 3 घंटे आपको शाम का टाइम इसमें देना है, वीडियोज़ के माध्यम से पढ़ो। पहले आप साइकोलॉजी है वो कंप्लीट कर लेते हो, साथ साथ में 1 दिन छोड़ के फिर एजुकेशन मैनेजमेंट। ये माइंड के अंदर पैटर्न सेट होना चाहिए, सारे सब्जेक्ट माइंड में होंगे तो मोटिवेशन ऑटोमेटिक आएगा। उसके बाद में 3 घंटे का टाइम दिया है, सुबह आप जैसे मान लो मॉर्निंग एक्टिविटीज होती है आपकी, उसके बाद में शाम को मैंने 8 से 11 का टाइम इसका आपको बताया है, सबसे बेस्ट रहता है। शाम इजी भी है और पढ़ने में रुचि भी जो रखता है वो शाम को पढ़ सकता है, फोन से पढ़ सकता है, बुक से पढ़ सकता है, कैसे ही पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ लो। 8 से 11 बजे का जो टाइम शाम का निर्धारित किया है, टारगेट ये होना चाहिए कि 15 क्वेश्चन इसमें से चाहे कैसे ही करके मेरे को हर हाल में क्या करना है, 1 महीने के अंदर पूरा करना है। और सुबह एक आपको मैं बहुत ही सजेस्ट करना चाहूँगा, जो भी आप नोट्स बनाओ, जो भी नोट्स बनाओ आपके मोबाइल के अंदर उनके ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लो। आपने क्या कर लिया, जो साइकोलॉजी और मैनेजमेंट के जो भी नोट्स है आपने जहाँ भी पढ़ा है उसको शॉर्ट करके ऑडियो नोट्स बना लो। ऑडियो नोट्स बनाने के बाद में जैसे ही आप सुबह उठते हो, उठने के बाद में उन ऑडियो नोट्स को आप चालू कर दो। जो भी आपकी मॉर्निंग एक्टिविटीज हो रही है, इस टाइम आपको व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है, इस बातों पर भी ध्यान देना है। फिर आपके दिन की शुरुआत, जो सुबह 5 से 8 का मैंने 3 घंटे का जो टाइम, 7 मान लो आप 8 बजे पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, इसके अकॉर्डिंग जैसे मान लो आपने सुबह 7 बजे है तो 2 घंटे का जो टाइम है ये टफ टाइम टेबल है, इसको आप लचीला भी कह सकते हो। जो आपका 5 से लेकर 7 बजे का जो टाइम है इसके अंदर जैसे आपको सुबह फ्रेश होना, उसके बाद में थोड़ी रनिंग करना, व्यायाम करना, मेडिटेशन करना, उस टाइम के अंदर आप थोड़ा बहुत जैसे घूम रहे हो, टहल रहे हो, तो आप कोई भी ऑडियो क्लिप आपके अंदर है जो एजुकेशन मैनेजमेंट की मान लो, और उसके बाद में जैसे साइकोलॉजी की है तो ऑडियो क्लिप आप चालू कर सकते हो। और जैसे मान लो कभी कभी आपको मान लो ट्रेवल करना पड़े, फिलहाल तो कोई ट्रेवल भी नहीं है, तो आप कानों के अंदर ये फोन लगा के फिर उसको क्या कर सकते हो, जो आपके पास में जैसे साइकोलॉजी के जो नोट्स है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, और जो आपका एजुकेशन मैनेजमेंट का है, तो उनको क्या कर सकते हो, आप सुन सकते हो, आपका टाइम बच जाएगा। उसके बाद में ऑनलाइन एजुकेशन का देखो, यहाँ आपको किसी भी कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको वो टॉपिक कैसे तैयार करना है, पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप यूट्यूब पर जाइए। यूट्यूब पर आपको बेस्ट बेस्ट फैकल्टी मिल जाएगी। आप सिलेबस उठाइए, टॉपिक सर्च कीजिए, उसको यूट्यूब से पढ़ लीजिए। यूट्यूब से पढ़ने के बाद में आप विकिपीडिया पर जाइए, उस टॉपिक की विकिपीडिया का अध्ययन करिए, और उसके बाद में आपके पास में कोई भी बुक है, एक बुक काफ़ी नहीं होती, कोई भी बुक है उस बुक में से पढ़िए। उसके बाद में आप क्या कीजिए, ये एक बहुत तपस्या है, पेपर सॉल्यूशन करिए। आप क्या करिए, पेपर सॉल्यूशन देखो, 4 चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा ऑनलाइन एजुकेशन में, यूट्यूब, उसके बाद में विकिपीडिया से शॉर्ट रिविजन करके, फिर बुक, पेपर सॉल्यूशन करो। फिर आप क्या करो, शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो। शॉर्ट नोट्स तैयार करने के बाद में लास्ट में जब एग्जाम हो तो उसका रिवीजन करना है। एग्जाम के टाइम में जैसे मान लो आपका सेंटर जयपुर आ गया और बीच में गैप है तो सारा कुछ तो नहीं ले जा सकते, लेकिन आप शॉर्ट नोट्स है वो साथ में ले जा सकते हो इस प्रकार। और अपने आप को सुबह मेडिटेशन में विजुअलाइज कीजिए कि मैं फर्स्ट ग्रेड टीचर बन गया तो क्या क्या मेरी लाइफ होगी, मेरे को बनना ही है, और अदर डिस्ट्रेक्शन है वो आप बिल्कुल ही मतलब उनसे डिस्टर्ब ना होइए, पूरा अपना फोकस रखिए। एक बार मैं आपको पुनः बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार से करंट जीके पढ़ो, उसके बाद में हिंदी इंग्लिश के बारे में आप धीरे धीरे 21 दिन के अंदर इतना मोटिवेशन आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा। और सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कि वाकई में आपको चाहिए क्या, आपकी आवश्यकता है क्या, आप
चाहिए क्या, वास्तव में आपको जरूरत है क्या नौकरी की? जब तक आपको नौकरी की जरूरत नहीं होगी, आपके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं आने वाला है। आपके अंदर कितनी आग है कुछ करने की, कुछ बनने की, कुछ सीखने की, वहां से मोटिवेशन आने वाला है, वहां से सब कुछ होने वाला है, वरना कुछ नहीं होने वाला है। बस टाइम टेबल आपने देख लिया, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं, मेरा सजेशन के अकॉर्डिंग, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो करंट जी के आपको सुबह 7 से 8 बजे के टाइम में, आप सुबह जल्दी भी चालू कर सकते हो, 8 बजे से पहले पहले आपका करंट जी के, उसके बाद में इंग्लिश हिंदी जो भी आपके सुटेबल रहे, वो आपको कोई भी पोर्शन छोड़ना तो है ही नहीं, ये गांठ बांध लो इस बात की, चाहे आप किसी सब्जेक्ट के विद्यार्थी हो। उसके बाद में इंडियन पॉलिटी की बात करें, हिस्ट्री, तो वो आपका 1 घंटा परमानेंट आप उसको दे सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लचीला थोड़ा रखना, ऐसा नहीं कि ये नहीं हुआ तो बस कुछ ही नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये सबसे टफ टाइम टेबल है जो एकदम सीरियस जो कंपिटिटर है उसके लिए मैंने बनाया है। फिजिक्स, फिजिक्स की जगह आप कोई भी सब्जेक्ट दे सकते हो जो आपको 10:30 से बहुत फुल टाइम, जिसमें अर्निंग का टाइम भी आप शामिल कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, आप टीचर बनना चाहते हो तो आप पढ़ाना कौन सा है, आपको वो सब्जेक्ट ही पढ़ाना है ताकि आपको फायदा हो सके। क्योंकि 11th 12th को जैसे मान लो 2 पीरियड आप लेके आगे, कोई भी स्कूल के अंदर आप 4 पीरियड लेके आगे, 4 पीरियड में आपका 11th 12th कंप्लीट हो गया, 55 क्वेश्चन वैसे तैयार हो गए, और वहाँ से आपको 25-30 हज़ार की जो भी अर्निंग है वो मिली, तो वहाँ से आपका जो वो भी आपका ठीक हो जाएगा, फिर हम बात कर सकते हैं। वैसे तो बराबर नहीं पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल भी तैयारी करते हैं, क्योंकि जो स्कूल की जो काम होते हैं आपका माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत मान लो जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो वो यहाँ पर मैं उनको सजेस्ट करना चाहूँगा ऐसा। उसके बाद में आप एक ग्रुप बनाइए कि भाई साइंस, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान ज्योग्राफी का हमारा एक ग्रुप है, और उसके अंदर आपको 15 क्वेश्चन तैयार करने, तो महीने के 5 क्वेश्चन का टारगेट लेते हुए, और जो इस प्रकार से शाम को 6:30 से 1.5 घंटे का टाइम मैं सजेस्ट करूंगा अंकों के हिसाब से। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो आप शाम के टाइम से लेकर सुबह तक कैसे ही करके इनको एडजस्ट कीजिए, आप मैनेजमेंट साइकोलॉजी और मैनेजमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, ये भी एक सिलेक्शन के लिए बहुत ही रामबाण आपके लिए सिद्ध होगा। उसके बाद में आपका प्रोसेस क्या रहने वाला है, आप YouTube पर जाइए, फिर विकिपीडिया, फिर कोई बुक है वहां से, फिर पेपर सॉल्यूशन करो प्रीवियस ईयर, क्या वास्तव में आपके टॉपिक से क्वेश्चन हो रहा है, तो फिर आप शॉर्ट नोट्स बना लो और फिर रिवीजन करते रहो बार बार। और उसके बाद में यदि आप फिजिक्स के विद्यार्थी हो तो मैं आपका सहयोग करने के लिए, आपकी हैंड होल्डिंग करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैंने सीरीज लॉकडाउन के शुरू कर किए फिजिक्स फॉर कंपटीशन एग्जाम RPSC फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल, और 11th क्लास के बच्चों के रिवीजन के लिए भी मैंने ये सीरीज चालू कर रखी है। इसमें मैंने जो फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट RPSC फर्स्ट ग्रेड में जो टॉपिक लगते हैं उनसे, और 11th क्लास का शॉर्ट रिवीजन और पेपर सॉल्यूशन मैंने करवा रखा है, और उसके बाद में गति की व्याख्या और वेक्टर वाला भी ये करवा दिया, फिर गति के जो नियम है उनके बारे में अध्ययन कर दिया, और आज मैं वर्क पावर एनर्जी वाला जो रिवीजन है वो लेके आने वाला हूँ। RPSC फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है वो मैं लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल रहेगा, GK का और फिजिक्स का, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये आपका हिस्ट्री है, राजस्थान हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि क्या क्या टॉपिक लग रहे हैं। बहुत सारा मटेरियल YouTube पर अवेलेबल है, आप पढ़िए, जो आपकी रीजनिंग है, स्टेटिक्स है, मैथ्स है, उसको आप तैयार कीजिए, ये आपका सिलेबस है। मैथमेटिक्स के ये टॉपिक है, आपके मापन के जैसे गणित वाले हैं तो वो सामान्य हिंदी में ये टॉपिक है, जनरल इंग्लिश में, फिर करंट GK के अंदर करंट थोड़ा चेंज भी हो सकता है, जैसे मान लो जो सेंसस इंडिया की है जो 2011 वाली है तो वो हट भी सकती है क्योंकि नई जनगणना आने वाली है, तो कई टॉपिक है, जैसे ये 5-year plan है ये टॉपिक नहीं है, तो करंट GK का जो किस प्रकार से आता है उसके अकॉर्डिंग दी लीजिए, उसमें से आप प्राइड है, जो आपके प्राइज है, अवार्ड है, उसके लेटेस्ट बुक है, तो इसके अकॉर्डिंग कुछ आप देख सकते हो। ये करंट GK वाला चेंज भी हो सकता है भी, ध्यान रखना। और उसके बाद में जनरल साइंस है, ये सेम रहेगा, जनरल साइंस आप देख सकते हो, इंडियन पॉलिटी है और आपकी राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान है, और एजुकेशन मैनेजमेंट जो आपका ये है, ये टॉपिक है, लिंक आप देख लेना किस प्रकार से ये रहता है, ये भी आपके सिलेबस में 75 क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से में क्या पार्ट होता है, तो मैंने इसके लिए आपको टाइम टेबल बताया। ये RPSC फर्स्ट ग्रेड की फिजिक्स का है, तो इसमें मैंने
फिजिकल वर्ल्ड मेजरमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, वेक्टर और लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन, ये पांच टॉपिक कंप्लीट करा दिए। यहाँ से 10 क्वेश्चन आते हैं तो वो देख लीजिए, आप रिवीजन कर लीजिए और बाकी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आज मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ वर्क एनर्जी पावर का थोड़े टाइम के बाद में, और उसके बाद में रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। तो ये जितना भी आपके पहले तो ये देखो सब थोड़ा सा रे ऑप्टिक्स को, ये 12th क्लास में हमारे लग रहा है, तो जो 16 टॉपिक है लगातार ये तो 11th क्लास के हैं, और उसके बाद में 17वां से लेकर 18 चाहे करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे के सारे हमारे 28 तक कौन से हैं 12th क्लास के टॉपिक है। तो यहाँ से 55 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। उसके बाद में ये सीरीज जिस हिसाब से रिवीजन के हिसाब से चल रही वो चलेगी, प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे, मेरे साथ जुड़े रहोगे। तो उसके बाद में हम मैकेनिक्स है, वेव एंड ऑसिलेशन है, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, तो इन सभी के देखो आप CSIR नेट का सिलेबस देख लेना, वो लगभग सारे टॉपिक सेम है। कॉलेज लेक्चरर का देख लेना, लगभग टॉपिक सेम है। तो ये सीरीज हमारी बहुत ही लंबी चलने वाली है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और एजुकेशन साइकोलॉजी का ये सिलेबस है, तो क्या पैटर्न रहता है ये आप देख लीजिए। सिलेबस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत है धन्यवाद। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मेरे को बताइए।